हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक फिर से जॉब नोटिफिकेशन लाया हूँ। सो बहुत दिनों की बात आज फिर से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हुआ था, तो इसी वजह से वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो आज मैं आप लोग के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लाया हूँ फिर से। और दोस्तों, यह दोस्तों मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी तरफ से आया है, और 327 टोटल पोस्ट है। और इसमें सब जो लोग ग्रेजुएशन किया है, BBSC वगैरह किया है, तो उनके लिए है, ग्रेजुएट करने वाले के लिए। तो इसमें बहुत सारा है पोस्ट भी, और 12th पास का भी है। तो जो लोग 12th पास, तो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 10th पास या 10 के नीचे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए, हम लोग आज का ये वीडियो शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सही टाइम पे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग नया आया है। तो इसमें ज़रा बहुत सारा पोस्ट है, बहुत सारा डिपार्टमेंट का है। तो मैं पहले आप लोग जो भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं इस यहाँ पे ले रहा हूँ, जो 6 नंबर पे है लिस्ट पे, जूनियर ड्यूटी, तो डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड मेघालय। तो इस डिपार्टमेंट के लिए जो है 4 पोस्ट है, तो इसमें सैलरी वगैरह भी बहुत है। तो आप लोग जो भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो भी किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट में। कोई भी ग्रेजुएट कोई भी डिसिप्लिन में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग का भी पोस्ट निकला हुआ है, कम्युनिटी एंड रूरल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग सर्विस, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो BE BTech किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरिंटेंडेंट ट्रेनिंग, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वोमेन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन इन द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो इसके लिए भी है। और मैं अगर सभी डिपार्टमेंट का सभी पोस्ट का अगर कम्प्लीटली और डिटेल्स बताएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम कीजिए, मैं 12th पास का कौन सा भी पोस्ट है वो ही दिखाई दे रहा है, बाकी से आप लोग ये PDF जो है PDF डाउनलोड करके आप लोग पढ़ के अपना चॉइस करके आप कौन सा भी आप पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले 12th पास का दोनों का ही पोस्ट दिखाई दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, तो वो गौर से देख लेना। चलिए, बायो में टेक्नीशियन 2 इसके लिए भी है। और नीचे जाता हूँ मैं, फिशरी ऑफिसर का भी पोस्ट है, तो आप लोग जो लोग फिशरी में जाना चाहते हैं तो वो लोग भी जा सकते हैं। तो फिशरी के लिए जो आप लोग BBSC होना चाहिए, BFHC, नहीं तो BHC होने से भी आप चल जाएगा। फिशरी साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, तो इसका भी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, आप सभी को पता होगा ये भी। इसके लिए आप लोगों को मेट्रिकुलेशन भी 3 इयर्स, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, तो ये सब आप लोग को होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी होना चाहिए, गुड पैसेंजर व्हीकल, तो ये सब रिकॉर्ड वगैरह भी आप लोग को अच्छा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो। और उसके बाद बीच बीच में दिखाई दे रहा हूँ आप लोग को, 10th पास है तो आप लोग को वही चाहिए लाइसेंस वगैरह। और उसके बाद यहाँ पर भी आप जूनियर डिविजनल अकाउंटेंट भी आप अप्लाई कर सकती है, मतलब JDA जो हम लोग बोलते हैं, ग्रेजुएट कौन सा भी यूनिवर्सिटी का आप कौन सा भी स्ट्रीम में किया है तो चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे नीचे जाते हैं हम लोग, जबकि आप लोगों को 12th पास के लिए जो है उसकी दिखाई दे रहा हूँ मैं, LDA की भी पोस्ट निकला हुआ है। LDA बहुत पोस्ट है, आप LDA भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग को ग्रेजुएट होना चाहिए कौन सा भी यूनिवर्सिटी का और कौन सा भी स्ट्रीम का, और LDA तो LDA भी यहाँ पर भी है। तो दोस्तों, LDA और LDA असिस्टेंट दोनों ही है यहाँ पे, हेड डिपार्टमेंट और ये जो है सिविल सेक्रेटरीट के लिए है। ठीक है, तो दो सिस्टम का है। और इसके लिए जो है LDA असिस्टेंट जो है, इसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, और
इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 46 टोटल पोस्ट हैं और 6 लेवल पे आप लोग को मिल जाएगा। अलाउंस वगैरह भी इसमें रहेगा आप लोग को, और अकाउंटेंट असिस्टेंट भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है 12 पास के लिए जो है, और टाइपिस्ट, तो टाइपिस्ट जो टाइपिंग करने हैं तो उसके लिए भी पोस्ट निकला हुआ है। 18 पोस्ट है। हेड ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट टू इस डिपार्टमेंट में दिया है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन आप लोग को 12 पास होना चाहिए, तो ये दोनों में आप लोग 10 पास अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 12 पास जो भी है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम मिनिमम लोग जो है टाइपिस में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सबसे अच्छी खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो लोग 10 पास का है वो लोग 3 ईयर का मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा। तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।